हेलो दोस्तों, तो आज मैं ये आपके यहाँ पे लिए लेके हमारी आई हूँ एक मेहंदी फेस पत्ती पैक। है, आज कोई भी ब्लॉग नहीं है, थोड़ी आज सी मैं आपके इसलिए लिए एक हम फेस पैक इसलिए लेके आई हूँ जो गर्मियों में होने वाली टैनिंग से बचाएगा और अगर चेहरे पे कोई छोटे मोटे दाने हो गए हैं उनसे बचाएगा। तो इसके लिए हमको लेना है ये नीम की पत्तियाँ। तो नीम की पत्तियाँ मेरे पास थोड़ी थी और मतलब मुझे थोड़ा सा फेस पैक बनाना था, तो ये मैं अदरक कुटने वाले इसमें पीस ले रही हूँ। अदरवाइज अगर आपके पास ज़्यादा पत्तियाँ हैं या आपको ज़्यादा पैक बनाना है तो आप मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा नीम की पत्तियाँ पिस गई है, पेस्ट बन गया है इसका। तो इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। ये हमारी नीम की पत्तियों का पेस्ट हो गया। इसमें हम डालेंगे बेसन। बेसन लगभग 1 से 1.5 चम्मच लेना है और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिया है हमने 1.5 चम्मच बेसन। और इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे आलू। आलू छील के उसको हमको कद्दूकस कर लेना है। आप कद्दूकस कर लीजिए या पीसना चाहें तो पीस लीजिए और उसके बाद उसका जूस निकाल लीजिए। आलू का जूस निकाल लेंगे और इसको हम अपने फेस पैक के जो हमने जो मिक्सर बनाया है नीम की पत्ती और बेसन का उसमें मिक्स करेंगे। हमको अपने पैक के अंदर कोई भी और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी है, हमको केवल ये आलू का रस डालना है और नीम की पत्तियाँ और बेसन। बस इसको मिला के हमको एक फाइन पेस्ट बना लेना है जो आपके फेस पर टिक जाए, ऐसा पेस्ट बनाना है हमको। और इसके अलावा हमको कोई नहीं कुछ नहीं डालना है कि एलोवेरा, गुलाब जल या फिर विटामिन ई कैप्सूल, कुछ नहीं डालना है हमको। केवल ये तीन चीज़ें लेनी है। सिंपल सा पता नहीं फेस पैक है ये और गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके चेहरे पर गर्मी की वजह से दाने आ गए हैं वो निकल आए हैं या फिर कोई भी गर्मी में अक्सर टैनिंग हो जाती है उसके लिए ये फेस पैक काफ़ी अच्छा है। तो नीम की पत्तियाँ आपको फुंसी वगैरह उससे बचाएगी या गर्मी में जो घमोरी हो जाती है उससे बचाएगी और जो हमारा आलू का रस है उससे जो भी डार्कनेस होगी वो कम हो जाएगी। ऐसा तो नहीं बोलूँगी फर्स्ट टाइम में पूरी फिनिश हो जाएगी, पर हाँ आप इसको वीक में 2 बार यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे जाएगी। तो यहाँ पे ये लगा लेना है हमको और सिंपली इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखिए मेरा 10 मिनट हो गया है और ये थोड़ा आपको दिख रहा होगा कलर चेंज हो गया है, ड्राई जैसा हो गया है। तो इसको अभी हम अपने फेस को क्लीन कर लेंगे। देखिए आप जैसे जैसे मैं हटा रही हूँ आपको कलर में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा पहले से। ये बहुत अच्छा है, आप इसमें कुछ नहीं डालिए। बाकी सारी चीज़ें तो हम और भी यूज़ करते रहते हैं, गुलाब जल, एलोवेरा, वाइटमिन, वो तो हम रेगुलर यूज़ करते रहते हैं। अगर आपको केवल एक इसी चीज़ पे स्पेसिफिक फोकस करना है तो आप इसमें कुछ नहीं डालिए, केवल आलू का रस, बेसन, आइस का टुकड़ा ले लिया है, केवल ये तीन चीज़ डाल दिए और फेस को क्लीन करने के बाद लेते हैं, थोड़ा आपको पकड़ लेते एक हैं, फोल्ड बर्फ करना है। यहाँ पे मैंने पूरे एक कटोरी बर्फ ली है और इसको अब हम अपने फेस पे मसाज करेंगे। गर्मी है तो गर्मी से होने वाली जो ऑयल फेस से ज़्यादा निकलने लगता है, कुछ लोगों को ऑयली स्किन होती है उनको, और गर्मियों में अक्सर हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसके लिए आप इसको डेली डेली नहीं तो हफ्ते में कम से कम 3 बार तो यूज कीजिए ही। मैं तो जब भी मुझे याद आ जाता है तो लगाती हूँ और एक कटोरी मेरा उसको मसाज करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाता है। और यहाँ पे मेरी मसाज हो गई है, उसके बाद हमको आप जो भी क्रीम वगैरह लगाते हैं वो लगाइए। मैं आपको अपना बता रही हूँ जो मैं करती हूँ, इसलिए मैं किसी भी फेस पैक में ये सारी चीज़ें नहीं डालती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लगाया है यहाँ पे गुलाब जल, तो हम गुलाब जल को टैप टैप करके लगा लेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे अपना एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे मेरा एलोवेरा जेल थोड़ा सा बचा था, देखिए आपको इसमें ढक्कन में थोड़ा सा दिख रहा होगा। उसके बाद लगाना है हमको ये क्रीम। क्रीम ये आप जो भी क्रीम यूज करते हैं वो ले लीजिए। और मैं क्रीम के अंदर ही जब मेरा नई डब्बी आती है क्रीम की उसी में मैं अपने विटामिन ई के कैप्सूल डाल लेती हूँ शुरू में ही। ऐसा नहीं है कि मुझे आज इसमें डालना है कल उसमें डालना है, मैं रेगुलर यूज करती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने विटामिन ई कैप्सूल जब आप कोई भी क्रीम को नया शुरू करते हैं उसमें शुरू में ही मिक्स कर लीजिए, तो हमको अलग से कोई पैक लगाने या किसी के लिए यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे करके रेगुलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी क्रीम, हमारा फेस हो गया है तैयार। बस थोड़ी सी जेंटली मसाज कर लीजिए। अगर आपको ये फेस पैक अच्छा लगा हो, मेरा रूटीन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।